पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के संबल रोड करूला रहमत नगर स्थित गली नंबर 8 में महानगर कांग्रेस कमेटी ओबीसी डिपार्टमेंट के महानगर कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाम साबिर ने की और संचालन युवा कांग्रेसी नेता नासिर खान राजू द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे युवा कांग्रेसी नेता और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी डिपार्टमेंट के नवनियुक्त महानगर प्रभारी अफसर अंसारी का युवाओं द्वारा फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। महानगर कांग्रेस कमेटी ओबीसी डिपार्टमेंट के महानगर कार्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने पर रणनीति तय की गई, साथ ही नवनियुक्त महानगर प्रभारी अफसर अंसारी को मुबारकबाद पेश की गई। कार्यक्रम का संचालन कर रहे युवा कांग्रेसी नेता नासिर खान राजू ने प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि आज देश को बेकारी की ओर धकेला जा रहा है, जनता परेशान है, रोजगार नहीं है, सरकार गरीबों का मजाक बना रही है। कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैदर अंसारी ने कहा कि हमें 2019 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, एक एक वोट कीमती है, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करना होगा। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल सैनी जी, उन्होंने हमारे पर बहुत भरोसा किया है, उस भरोसे को इंशाल्लाह हम कायम रखेंगे और मुरादाबाद के अंदर 19 में भी दिलो जान से मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह सीट निकाल के देंगे उनको। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग दिल और जान से एक होके जो लगा के सभी लोग भाई एकजुट होके पूरी ताकत के साथ लग जाओ, इस मुराद के अंदर ऐसा संगठन पैदा कर दो जो मिसाल बन जाए इस मुराद की। वो चीज नौजवान के अंदर होती है मगर उसके उसको आज तक सिपाही नहीं मिला इस नौजवान को, क्योंकि ऐसा होता है हमेशा ऊपर का सिपाही अच्छा होता है तो नीचे की जो यूथ होता है, जो नौजवान होता है, वो जब काम करता है बढ़िया।